आप देख रहे हैं बी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं छवि वर्मा, आप देख रहे हैं बी न्यूज उत्तर प्रदेश। जहां कोरोना को हराने में पूरा देश एक तरफ जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बेवर में लोग सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उनकी लापरवाहियां बरकरार हैं। बेवर में लोग अब भी दुकानें खोले हुए हैं और गलियों में लोग जगह जगह भीड़ का तांता लगाए हुए हैं। क्या इसी तरह हम कोरोना को मात दे पाएंगे? आइए देखते हैं हमारे जिला संवाददाता अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कहर से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश लड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब से पूरा देश लॉकडाउन किया है, तब से आप देख सकते हैं कि हमारे नगर बेवर, मैनपुरी के थाना बेवर के नगर मोहल्ला भी हम स्थिति दिखा रहे हैं, पूरी गलियां सन्नाटा फैला हुआ है। नगर के सारे लोग जो हैं अपने आप ही घरों में छुपे हुए। इधर मैं दिखाना चाहूंगा, ये इधर से देखिए, पूरी गलियां जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है और कोई भी गली में एक भी बच्चा आता जाता नहीं दिख रहा। इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा कि जो गलियां हैं, गलियों में ये माहौल है कि जो कोरोना वायरस का भय है वो इस कदर है कि लोग घरों में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से लॉकडाउन है। और वे जो मैनपुरी में पुलिस प्रशासन है, सड़कों की नगर के चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस तरीके से कोरोना वायरस बचने के लिए पूरा देश एक साथ एकजुट होकर लड़ रहा है। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। आइए देखते हैं कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश लड़ रहा है, लॉकडाउन हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को लॉकडाउन किया, तब से गली मोहल्ले में पूरी तरीके से लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी बेवर के मोहल्ला ब्रह्मनान अमर शहीद इंटर कॉलेज के पीछे कुछ लोग बात नहीं मान रहे हैं, दुकानों को खोलकर भीड़ इकट्ठा किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपने की भी सुरक्षा करें, तभी इस भयंकर बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। इसके अलावा नवदुर्गा के प्रथम दिन सभी मंदिरों में ताले लगे देखे गए। भक्तों ने अपने घर पर ही माता का दीप जलाकर पूजा अर्चना की।